बाबा कहाँ चले गए? अरे अरे सुनिए भाई साहब। हाँ कहिए भाई साहब। यहाँ यहाँ एक बाबा बैठते हैं। किस बाबा की बात कर रहे हैं आप? वो जो ऋषिकेश से आए थे, लोगों का भविष्य बताते हैं। मैं 7 साल से इस मंदिर में फूल बेच रहा हूँ। मैंने तो यहाँ आज तक किसी बाबा को नहीं देखा। लेकिन पिछले हफ्ते ही तो हम उन्हें मिलकर गए थे। आजकल लोगों को ठगने वाले बहुत बाबा घूमते हैं। वो भी होगा कोई ऐसा ही ढोंगी बाबा। बेटा यहाँ आओ, ये पैसे लो और ये वो आंटी को दे दो, जाओ। आपके लिए। ये क्या है? पता नहीं। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तुम्हारे मन में उठ रहे सवाल का जवाब देने के लिए मैं भी संकट मोचन मंदिर में मौजूद हूँ। कोई तुम लोगों का पीछा कर रहा है, इसलिए मेरा तुम लोगों के सामने आना फिलहाल मुमकिन नहीं है। अगर थोड़ा ध्यान दोगी तो तुम्हारे अपने घर में ही एक बहुत बड़े सच की परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि मेरी बात झूठ है तो इस पर्ची को अपने घर के डस्टबिन में फाड़ कर फेंक देना। बेटा ये किसने दिया तुम्हें? ऐसा लगता है राधा कि ये चिट हमें किसी ना किसी मुकाम पर जरूर पहुंचाएगी। लेकिन कैसे? राधा, इस चिट का सच अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। हमारा संकट मोचन मंदिर आने का मकसद शायद पूरा हो गया है। हमें अब चलना चाहिए। अरे राधा बेटी, इतनी जल्दी वापस आ गई मंदिर से? अब हाँ, वो दर्शन जल्दी हो गए तो जल्दी आ गई। उर्वशी के लिए कैरी लाई कि नहीं? नहीं। उर्वशी तेरे पीछे पीछे ही तो गई थी तुझे बताने। उर्वशी घर में नहीं है, लेकिन वो मुझसे मिलने तो बाहर आई ही नहीं थी। मेरे घर से जाने के बाद उर्वशी कहाँ चली गई? वो अब तक वापस नहीं आई है तो मुझे लगा कि वो भी तेरे साथ ही चली गई है।